पे उसको वापस ला के छोड़ दो आप, हमें नहीं देना है, क्योंकि भाई उसके आंख में से पानी देख के भाई मुझे बहुत बुरा लगा भाई। ये जो बच्चा है उसका है। 3 दिन हो गए मोर को लाए, और दूसरे अगर 3 दिन बाद मोर को ये झुंड में छोड़ देना है, और 3 दिन बाद मोर को मैं आवाज दूंगा, आवाज देना, खाली मोर ही आएंगी, बाकी कोई नहीं आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो तेरे को बोलता मैं है ना, मैं दोस्तों मोर जो है ना उसको जहाँ से लेके आया हूँ वहाँ जाके मैं वापिस छोड़ दूंगा, और दोस्तों उस मोर के जितने भी पैसे है वो पैसे भी उनको दे दूंगा और गाय भी उनको दे दूंगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो गए हम सब, कैसा है, आई होप आप सब मौज में हो गए। मैं एकदम मौज में हूँ, मैं मौज में हूँ, लेकिन दूसरा एक प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम ये हो गया है कि कल जो है कि हमने एक गाय की छोटी बच्ची जो हमारे एक दोस्त को गांव में दी थी, तो उनका सुबह सुबह मुझे कॉल आया था कि भाई आपकी जो गाय है ना तो पानी पी रही है, बोले ना तो चारा खा रही है। उनका जो है कि कल शाम को ही मुझे कॉल आया था, मैंने बोला था कि एक काम करो आप वेट करो, क्योंकि अभी वो जो है कि इतनी सारी गाय छोड़ के गई है वहाँ पे, जो है कि आजू बाजू कहीं गाय नहीं दिख रही, 2-3 घंटे मैंने बोला ऐसा करें कि बाद में जो है कि वो नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन वो अभी तक नॉर्मल नहीं हुई है। और लगभग मेरे ख्याल से वो बोल रहे थे कि 7:30 बजे जो है कि कोई उनके यहाँ मेहमान आया था, बोले तो बोले गाय बच्ची देखने गया और उसे हाथ लगाने गया, बोले उसने बोले इतनी स्पीड से बोले उनको धड़क दी, बोले तो उठा के सीधा पटक दिया, बोले तो बोले भाई बहुत मार रही है और बहुत दिक्कत दे रही है, बोले अभी तक जो है कि उसने कुछ खाया है ना तो कुछ पिया है, बोले तो आप जो है कि एक बार आके देख लो, बोले नहीं तो फिर वापस लेके जाओ, बोले कहती हैं। तो अभी सुरेश भाई जो है कि दूध लेके गया है, जैसे वो बाइक लेके आता है मैं एक राउंड जाके मार के आता हूँ, देख के आता हूँ भाई उसकी हालचाल क्या है। और ये रही अपनी मोर ये 8-10 दिन में जो है कि मेरी और इसकी पक्की वाली दोस्ती हो जाएगी। बहुत सारे दोस्तों की कॉमेंट्स थी कि जगदीश भाई ये जो है कि प्योर कांकरेज नहीं है, तो मैंने जो व्लॉग आपने देखा उसमें आपने वो सही से व्लॉग नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने एक बुल बताया था, उसमें मैंने बुल को बोला था कि भाई जो ये जो बुल है वो गिर क्रॉस कांकरेज है, तो आप ये देख सकते हो ये प्योर कांकरेज नहीं है, ये जो है कि क्रॉस कांकरेज है, गिर कांकरेज मिक्स है। मैंने कल के व्लॉग में भी वो जो बुल है वो मैंने बताया था, तभी मैंने बोला था कि भाई ये जो बुल है गिर क्रॉस है, तो वैसे ही जो अपनी बछड़ी है ये भी गिर क्रॉस है। छोटू भाई, छोटू को जो है कि हमने सरसों का तेल घर पे 4 दिन से ला के रखा है, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा, अभी आपा घर पे है तो सुरेश भाई घर पे नहीं है, तो देखते हैं अगर जल्दी आ गए तो अपना छोटिया जो है उसे आज ही सरसों का तेल पिला देगी। ये कुत्तों ने परेशान करके छोड़ा है भाई, ये जो छोटे छोटे गाय के बच्चे होते हैं उनकी पूंछ आके खींचते हैं, अगर कुत्ते जो है कि गाय की छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी पूंछ खींचते हैं ना भाई, तो मेरा माथा घूम जाता है भाई, फिर जो है कि मैं कुत्तों को मारता हूँ भाई। आप आओ घूमो आराम से खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गाय के छोटे बच्चे हैं उनके साथ मस्ती करते हैं, उनकी पूंछ खींचते हैं, कभी कभी जो है कि रात को आते हैं और जिस रस्सी से बांधा है वो रस्सी काट डालते हैं, फिर छोटे छोटे बच्चे हैं वो आके पूरा दूध पी जाते हैं, और फिर जो है कि सुबह बीमार पड़ते हैं, क्योंकि एक साथ छोटे बच्चे होते हैं, एक साथ 3-4 लीटर दूध पी जाते हैं, फिर जो है कि सुबह सीधा बीमार, 2 दिन तक वो दूध ही नहीं पीते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है, इसकी वजह से माथा घूम जाता है जब कुत्ते देखता हूँ तो। चलो अभी जो है कि फटाफट से छोड़ देते हैं इनको, और हमारी जो मोर है उसे तो मैंने पहले से ही छोड़ दिया था, मैं देख रहा था कि वो जो है कि हमारा घर छोड़ के जाती है या नहीं, लेकिन वो जो है कि वाड़ा के अंदर जाके खाना खाने लग गई। आज जो है कि कोई गाय हिट पे नहीं है, मैं जो है कि गड्ढा को भी छोड़ देता हूँ, कल जो है कि भाई इन्होंने दोनों ने लगभग 2-3 घंटे जो है कि आमने सामने ऐसे दोनों कड़क होके खड़े थे, मैंने बोला अभी लड़ाई करेंगे अभी करेंगे, लेकिन 3 घंटा दोनों जो है कि आमने सामने खड़े ही रहे, एक दूसरे को देखते ही रह गए। कहाँ जा रहे तुम अभी? दोस्तों आप ये मोर को देख सकते हो और ये बाकी पूरे गाय देख लो, अभी आपको भी पता है ये पूरे गाय जो है कि ये मेरे हैं, मोर जो है कि मेरे लिए एकदम नई है, लगभग अभी 2 दिन हो गए हैं, 2-3 दिन है आज मोर का, और बाकी ये गाय जो है कि हमारे हैं। तो अभी 5-6 दिन पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था, तो उस व्लॉग में जो है कि सुरेश भाई ने सिटी मारी थी तो गाय पूरी दौड़ के आ गई थी, तो उसमें बहुत सारे दोस्तों की ये कमेंट थी कि जगदीश भाई तुम्हारी गाय है वही आपके पीछे आएंगी, क्योंकि दूसरी गाय नहीं आएंगी, क्योंकि तुम्हारी है इसकी वजह से तुम्हारी गाय तुम्हारे पीछे आती है, और दूसरी गाय जो है कि तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। तो आप देख सकते हो ये मोर है, अभी मोर को लाया मुझे 3 दिन हुआ है खाली, कितना दिन हुआ है सुरेश भाई? 3 दिन हुआ है, 3 दिन हो गए मोर को लाए,
और दूसरे अगर 3 दिन बाद मोर को ये झुंड में छोड़ देना है और 3 दिन बाद मोर को मैं आवाज दूंगा, आवाज देना, खाली मोर ही आएंगी, बाकी कोई नहीं आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो तेरे को बोलता मैं, है ना, मैं दोस्तों मोर जो है ना उसको जहाँ से लेके आया हूँ वहाँ जाके मैं वापिस छोड़ दूंगा, और दोस्तों उस मोर के जितने भी पैसे है वो पैसे भी उनको दे दूंगा और गाय भी उनको दे दूंगा, क्योंकि उतना मुझे विश्वास है। आप जो कमेंट करते हो कि भाई तुम्हारी गाय है तो ही तुम्हारे पीछे आएंगी, नहीं, कोई भी गाय नहीं, किसी के भी पीछे आ सकती, तुम्हारे भी पीछे गाय आ सकती है, लेकिन उसके प्रति आपको लगाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तभी आती है भाई, ऐसे नहीं आती है, ठीक है। अगर आपने एक दो गाय ला के घर पे बांध दी और आप बोलेंगे कि भाई हमारी गाय तो हमारे पीछे नहीं आती है, ऐसे भी कमेंट मेरे को होते हैं। अभी जो है कि वो डर रही है मुझसे, लेकिन सुरेश भाई मैंने बोला ना तेरे को कि तीन दिन खाली 3 दिन दे मुझे, 3 दिन बाद जो है कि मोर को मैं आवाज दूंगा, पूरी गाय में से मोर निकल के आ जाएंगी। अगर दोस्तों अगर ऐसा नहीं हुआ तो मोर जो है वो मैं वापस जहाँ से लाया वहाँ छोड़ दूंगा, और वो मोर का जितना भी पैसा होता है वो पैसा भी उनको दे दूंगा। आप जो है कि उसे जितना प्रेम करोगे गाय उतना ही आपको प्रेम करेंगी। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि गाय कौन सी भी, अगर मेरी गाय है आप लेके जाते हो, अगर आप जो है उसे प्रेम करोगे, लाड़ करोगे, 100% जो गाय वो गाय हो मुझे भूल जाएंगी और आपके पीछे आएंगी, क्योंकि मेरे से ज़्यादा आप प्रेम करते हो तो वो आपसे प्रेम करने लग जाएंगी, तो उस गाय को मेरा प्रेम कम लगने लग जाएगा क्योंकि मेरे से ज़्यादा आप प्रेम करते हो। तो गाय जो होती है उसे एक प्रेम की ज़रूरत होती है यार। आप देख सकते हो पूरे गाय जो है इधर कुछ चारा वगैरह खा रहे हैं, आप देख सकते हो, और हमारी ये लीली देख सकते हो यहाँ पे खड़ी है, तो बस इनको एक प्रेम की ज़रूरत होती है यार। चलो मोर, चल चल इनके साथ तू भी निकाल। वो देखो वो दोनों देखो, एक काम करो तुम दोनों यहीं पे रह जाओ, समझ में नहीं आता उनका क्या करें। तो अभी जो है कि वो दोस्त को मैंने कॉल किया था, वो बोले भाई अभी जो है कि सुबह हमने थोड़ी कूटी डाली थी और पानी पिलाया, बोले थोड़ा पानी भी पिया, थोड़ा बोले चारा भी खाया है। तो मैंने बोला कि मुझे नासिक काम है, मैं उतना काम निपटा के फिर आता हूँ। तो चलो अभी मैं फटाफट से नासिक का काम जो है वो निपटा के फिर मिलते। ओ हाँ, आ गए मोर, आ गए मोर, इधर आ जा। वाह वाह वाह, अरे मोर तू तो काफी समझदार हो गई, एक दिन में दोस्ती, क्या बात है, मैंने तो 3 दिन बोला है यार अभी तक, क्या बात है। तो फाइनली दोस्तों जो नासिक काम था उतना निपटा के अभी फिलहाल हम घर पे आ गए हैं और गाय भी घर पे आ गए। अरे भाई ट्रैक्टर खाली करो, ओके फटाफट से कर दो खाली। तो फिलहाल जो है कि दोस्तों अभी मुझे जो है कि वो अपनी जो बच्ची हमने कल दी है उसको भी देखने जाना है, हालचाल क्या कर रही हो अभी, तो पहले खाना खा लेता हूँ फिर उसको देख के आएंगे। अरे मोर भाग वापिस भाग। बाकी यहाँ पे इनकी कुछ मीटिंग चालू है मुझे ऐसा लग रहा है, क्या बातें कर रहे हैं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे घर में कहाँ जा रही, बाहर निकल, गांव में से आ रही है, गांव नहीं, हाँ आ रही है, रोज गांव में क्या है, हा? रोज भाग जाती है। छोटिया जो है उसे आज सरसों का तेल पिलाना है, सुबह मैंने सुरेश भाई को बोला था कि भाई आज जो है कि शाम को 100% पिला देंगे, लेकिन जो है कि अभी ना तो आपा घर पे है ना तो सुरेश भाई घर पे है, मुझे लग रहा है आज भी उसको तेल नहीं पिलाएंगे। ये वाली गाय भी हीट पे आई है मुझे ऐसा लग रहा है, तो अभी कल जो है कि फिर से गड्ढा को बांधना पड़ेगा। 5:30 बजने वाले और सुरेश भाई भी आ गए हैं, लेकिन सुरेश भाई बोले अभी जो है कि छोटिया को आज तेल नहीं पिलाएंगे क्योंकि आज जो है कि मार्केट से हरी भाई जो है कि फ्लावर का पाला भर के लाया था, पाला बहुत कम आया था, तो सुरेश भाई बोले अभी गन्ना डालना पड़ेगा, तो सुरेश भाई जो है कि अभी गन्ना भरने गया है, तो अभी जो है कि गन्ना डाल दिया है, आधा घंटे में जो है कि पूरा गन्ना फिनिश कर जाएंगे। अभी आप देख सकते हो कितने बज रहे हैं, 6:28 बाकी है। चलो अभी फटाफट से जो है कि उस गाय को देख के आते हैं भाई, सुबह से वो दोस्त के कॉल आ रहे कि भाई एक बार आके देख के जा गाय की हालचाल क्या है क्या नहीं, भाई बोले मुझे कुछ समझ में नहीं आता भाई गाय का, बोले फर्स्ट टाइम जो है कि लाइफ में उन्होंने पहली बार जो है कि एक गाय की बच्ची खरीदी है। मुझे
तो चलो अभी फटाफट से जो है कि गाय बांध देते हैं। और भाई हमने जो कल बच्ची दी वो देख के आया और मैंने आपको भी दिखाया भाई, क्योंकि ऑलरेडी जो है कि सुरेश भाई वो रो रही थी यार, मुझे बहुत बुरा लगा। तो थोड़े दिन तो रोएगी ना यार, तू झुंड में से गई यार, वो बहुत रो रही थी यार। तू जाता तो मैं नहीं रहता क्या? हाँ रोता ना तू। दोस्तों जो है कि उसके आंखों में से भाई इतना पानी जा रहा था भाई, और इतना ज्यादा उसने खाना भी नहीं खाया था भाई, क्यों आज तो भाई एकदम बहुत दुबली लग रही थी। तो फिर मैंने बोला कि भाई एक दो दिन रखो, अगर वो सही तरह से खाना पानी सब खाती पीती है तो ठीक है, नहीं तो भाई उसको वापस ला के छोड़ दो, आप हमें नहीं देना है। क्योंकि भाई उसके आंख में से पानी देख के भाई मुझे बहुत बुरा लगा भाई। सुने बात यार, यही उसको मार रही इसको, अरे मार रही उसको, क्यों लड़ाई कर रहे हो? उसको यहाँ से बदल दे उसको, चल। डरती हो मुझसे? बहुत डरती है। तुझे क्या लगता है दो तीन दिन में अगर मैंने उसको आवाज दिया तो आएंगे? नहीं आएंगे। अरे ऐसा क्यों कर रहा है भाई? मैंने तो भाई वो बछड़ी और पैसे मेरे को देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने व्लॉग में ऑलरेडी बोल के रखा है। देख ना भाग रही हो तो। अरे डर रही हो मुझसे? आज देख अट्ठाई से टट हो गई। हाँ आज तो उसने पेट भर खाना खाया, लेकिन मुझसे वो डर रही है भाई। तीन दिन बोला है कि भाई तीन दिन में मैं उसको आवाज दूंगा और हमारी जो मोर है वो मेरे पास आएंगी। अभी सुरेश भाई तो नहीं बोल रहा है, ऐसा मत बोले यार, तो कुछ शुभ शुभ बोले यार। सुरेश भाई, अरे भाई अभी ये मोर के बदले में हमने उनको बछड़ी दी थी, वो बछड़ी अभी वापिस आ गए। अब करना क्या है भाई? अभी तक तो कुछ बोला ही नहीं, उसका फोन भी नहीं, कुछ नहीं आया। मैंने फिर सिर्फ इतना फोन आया था, वो बछड़ी आ गई तेरे घर पे। हाँ, फिर कुछ नहीं बोला क्यों? नहीं बोला। अभी जो है कि दोस्तों प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि हमने हमारी बछड़ी जो गिर गई की थी उनको दी थी, और उनके पास से हमने जो है कि ये अपनी मोर ली थी। लेकिन दिक्कत ये हो गई, हमारी वाली तो वापिस आ गए। तो अभी सोच रहे करना क्या, जो कि दी थी वो तो वापिस आ गए, वो वाली जो है कि वो तो हम देने वाले हैं नहीं, क्योंकि एक बार वो वापिस आ गए फिर हम जो है कि नहीं देते हैं। तो अभी दूसरी दे दे, देखते हैं दूसरी दे देते हैं। दूसरी अगर वो चाहते हैं तो लेके जाएंगे, नहीं तो फिर पैसा दे देंगे। और ऐसा भी अगर नहीं मानते हैं तो फिर जो है कि हम उनकी जो ये मोर है उसको हम रिप्लेस कर देंगे, फिर क्या करेंगे? क्योंकि वो वाली तो अभी हम दे नहीं सकते, दूसरी अगर उनको पसंद आएगी तो लेके जाएंगे, नहीं आई तो फिर जो है कि मोर हम रिप्लेस कर देंगे। लेकिन तीन दिन बाद, क्योंकि मैंने सुरेश भाई को बोला है कि तीन दिन बाद मैं मोर को आवाज दूंगा, मोर आएंगी। तुझे क्या लगता है? नहीं आएंगी ना, आएंगी। दोस्तों तुमको क्या लगता है, अभी आप कमेंट करो, मोर आएंगी या नहीं? ओनली तीन दिन सुरेश भाई, तीन दिन सुरेश भाई। फाइनली जो है कि पोपट मामा आ गए हैं उनकी टमटम लेके। तो अभी जो है कि हमें जाना है भेड़ लेने के लिए, क्योंकि भरत भाई की जो भेड़ है उन्होंने वो भेड़ की झुंड जो है उनमें छोड़ दी है, बोले दो तीन महीने उनमें छोड़ दी, क्योंकि उनके पास जो है कि नर नहीं था, तो इसकी वजह से उन्होंने उसमें छोड़ दी ब्रीडिंग के लिए। तो अभी जो है कि उसकी ब्रीडिंग हो गई है, तो अभी लेने जाना है। तो चलो अभी यहाँ बीच में से चलते हैं, क्योंकि आज जो है कि उनका मुकाम जो है कि हमारे घर के पीछे ही है। तो रिक्शा जो है कि उनकी यहाँ पे लगा दी है, और यहाँ से हम पैदल चलते हैं, उसको उठा के लाएंगे और यहाँ से रिक्शा में लेके जाएंगे। समय लगे, अब जो है कि ज़्यादा दूर नहीं है, ये हमारे घर के पीछे एक खेत में जो है कि दो तीन दिन से यहीं पे रुके हैं ये। यहाँ कुछ पानी पीने के लिए व्यवस्था कुछ इस टाइप की इन्होंने की है, जो है कि ये ताड़ पत्री लगा के इसमें पानी भरा है। पर व्यू देखो भाई, एकदम अलग लेवल पे। अभी जो है कि पूरी भेड़ है इसके अंदर भेज देंगे, फिर जो है कि यहाँ से उसको बंद कर देंगे। अभी जो है कि यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा खोल दिया है। अभी जो है कि मामा को मैंने एक टास्क दिया है, क्योंकि मामा ने आज से एक साल पहले जो है कि एक भेड़ इनको दी थी, और यहाँ पे आप देख सकते हो सब भेड़ जो है कि सेम है। मामा मुझे फिर भी बोल रहे हैं कि मेरे वाला जो भेड़ है मैं पहचान जाऊंगा। मैंने बोला ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मामा बोल रहे हैं कि मैं पहचान जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं पहचान सकता भाई। आप देख सकते हो सभी भेड़ जो है सेम है। मामा बोले मैं पहचान जाऊंगा, एक साल पहले मैंने जो है कि इनको एक भेड़ सेल किया है, बोले मेरा है, बोले मैं पहचान जाऊंगा। ठीक है, मामा देख रहे हैं।
स्टे का वो क्या वही है ना है कभी पहचान लिया भाई मामा ने क्योंकि वो सेम वैसे ही भेड़ उनके पास चार है तो भाई बोले नहीं पहचान पाएंगे लेकिन मामा पहचान गया कैसे मामा सेम है ऐसे सेम इनके पास कितने है ऐसे सेम कितने तुम्हारे पास हमारे पास अरे ऐसे सेम सेम दिखने वाले कितने हैं चार चार है ना हाँ तो चार है मैंने बोला मामा पहचान ही नहीं पाएंगे लेकिन जो है कि फाइनली मामा जो है वो पहचान गए भाई उनकी भेड़ जो है वो चलो भरत भाई ले लो चलो सीधे चलो चलो बबली आ जा क्या हो गया भाई अरे ऐसे क्यों करा और तुम्हारे देखो मोर हमने उसका नाम मोर रखा है नाम क्या है उसका ओरिजिनल होली 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 है क्या हाँ तो ये वाली जो हमने मोर रखा उसका नाम जो है कि होली है बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे भाई इसका नाम जो है कि मोर नहीं ढेल रखो लेकिन कुछ अलग हटके नाम रखना था हमें क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे जो एक नॉर्मल तो सभी रखते हैं ढेल ढेल तो हमने जो है कि कुछ अलग रखा मोर वैसे तो मुझे पहले से बहुत पसंद है मोर नाम वो एक भाग गए वो आगे आगे ये जो बच्चा है उसका है